अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, इसकी कार्य प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे वो काम करता है, और काम करने के क्या सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर वह आधारित है, इसके जो कार्य हैं, जब उसने कार्य करना शुरू किया तो इसके उद्देश्य एक चीज और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत एक दूसरी चीज। तो उद्देश्यों की बात करने के बाद अब हम थोड़ा सिद्धांतों पर चलें, जिसके आधार पर वे उन उद्देश्यों को रियलाइज करने की कोशिश करता है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना हुई है। तो चलिए अब हम के सिद्धांतों की चर्चा करें जिसके आधार पर एक कार्य करता है, और इसके जो सिद्धांत हैं वो मूल रूप से अनुच्छेद 2 में आर्टिकल 1 चैप्टर 1 धारा 1 के अनुच्छेद 2 में ये दिए गए हैं। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच द UNO functions and tries to achieve its goals, its objectives. First is, इसका सिद्धांत है सार्वभौमिकता और समानता। क्या अर्थ हुआ? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उद्देश्य और सिद्धांतों में अंतर है। मेरे लक्ष्य ये हैं, पर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मैं रास्ता अपना रहा हूँ, रास्ता ले रहा हूँ, जो जरिया अपना रहा हूँ, उस जरिया, वह क्या जरिया रहेगा, वो माध्यम क्या रहेगा और क्यों रहेगा, ये सिद्धांत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य की एक प्राप्ति के लिए जो चार उद्देश्यों का पूर्व में वर्णन किया गया है, सारे राष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते समय ये देश, सदस्य देश सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य देश की सार्वभौमिकता पर चोट न पहुंचे, समानता की भावना को किसी तरीके से चोट न पहुंचे, ये बात सुनिश्चित करेंगे। यानी एक होता है मीन्स डिसाइड्स द एंड, एंड मतलब उद्देश्य, मीन्स माने माध्यम, माध्यम तय करते हैं कि उद्देश्य कितना अच्छा है, और दूसरा होता है एंड डिसाइड्स द मीन्स। यहाँ पर हमें संयुक्त राष्ट्र संघ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते समय, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के प्रयास में वह कुछ अन्य गलत मार्ग ना अपनाए, किसी दूसरे पर हमला करके लक्ष्य प्राप्ति ना हो, किसी देश को नीचा दिखाकर लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, और इसलिए किसी देश पर कब्जा करके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इसलिए पहला सिद्धांत है सार्वभौमिकता और समानता, बहुत अहम सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारिणी है उसके लिए सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि सभी देश सार्वभौम हैं। सार्वभौम का भी अर्थ आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। सार्वभौम यानी अपने लिए निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं ये देश। यदि मैं सार्वभौम हूँ या यदि भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? अपने हित में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत अपने लिए कुछ निर्णय ले तो उसे दूसरे देश के आदेश की, दूसरे देश के इशारे की, दूसरे देश के सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। कोई अन्य देश भारत को, भारत पर दबाव नहीं बना सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कोई अन्य देश हमें बाध्य नहीं कर सकता कि हम ऐसा करें या ऐसा ना करें। जब ये स्थिति होती है तब हम कहते हैं वह देश सार्वभौम है। भारत
कि सरकार भारत के हित में जो भी निर्णय है वह लेने के लिए सक्षम है, जिसे वो उचित समझती है। उसे न अमेरिका, न रूस, न चीन, न संयुक्त राष्ट्र संघ, न कोई देश उस पर दबाव नहीं बना सकता। यह सार्वभौमिकता है। तो सभी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि सभी राष्ट्र हमारी नज़र में सार्वभौम हैं, शक्ति संपन्न हैं और समान हैं। सब समान हैं, चाहे जनसंख्या में छोटे बड़े क्यों ना हों, चाहे संपन्नता में छोटे बड़े क्यों ना हों, चाहे क्षेत्रफल में छोटे बड़े क्यों ना हों, या किसी भी दृष्टि से अलग अलग क्यों ना हों, हमारी दृष्टि में ये सब देश समान हैं। सब देशों को उतना ही बोलने का अधिकार है संयुक्त राष्ट्र संघ में जितना अन्य देशों को। ये बहुत बड़ी इसका सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमा में सर्वोच्च है। हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर हमारी सरकार, हमारी जनता सर्वोच्च है और उसके भीतर उसका शासन ही सर्वश्रेष्ठ है। सार्वभौम सत्ता जब होती है तो सदस्य, ये कहा गया स्पष्ट कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में सभी देश एक दूसरे के समान हैं। ये समानता की भावना भी इसमें निहित है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश या भूटान, जो बहुत छोटे देश हैं, उतने संपन्न नहीं हैं, तो उसको भारत एक तुच्छ दृष्टि से देखे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका, जो दुनिया में इतना ताकतवर है, महा शक्तिशाली देश है, वह अन्य देशों के विचारों को नीचे के नज़रिए से देखे। ये गलत है। तो पहली भावना, पहला सिद्धांत सार्वभौमिकता और समानता। दूसरा सिद्धांत सद्भावना। सद्भावना का अर्थ एक दूसरे के साथ कर्तव्यों का पालन करने के लिए वचनबद्ध होना। आधारभूत सिद्धांत एक दूसरे के साथ कर्तव्यों का पालन करते हुए सद्भावना के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना, सहयोग के साथ कार्य करना, ये इसका दूसरा आधारभूत सिद्धांत है। कर्तव्यों के पालन के लिए हम अपना वचनबद्ध हैं। सद्भावना की बात को आखिर चार्टर में क्यों शामिल किया गया है? वो इसलिए कि इसके पीछे तर्क ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आदर्श हैं उसका पालन तभी होगा जब इस भावना के प्रति हम सब लोग अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। तो ये हुई सद्भावना का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रयास करता है, जिसके आधार पर, वह है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। इस बात पर सतत रूप से बल दिया गया है कि विवाद तो होते हैं, विवाद होते रहेंगे। परिवार में होता है विवाद, तो विश्व तो एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय समुदाय के लोग हैं, तो विवाद होना कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन इसका निराकरण, इसका हल शांतिपूर्ण तरीके से ही निकाला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य प्रणाली बनाई गई है, जो उसका तरीका है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी समस्याओं का हल करेंगे। और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं भी बनाई गई हैं, कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, कुछ एक 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 खाका तैयार किया गया, जिसके तहत जैसे वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक समझौते, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं, ये सब ऐसे जरिए हैं जिसके माध्यम से मामलों को, विवादों को सुलझाने का प्रयास होगा और सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह
किसी देश के वैसे ही मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग ना हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े। यानी अंत में उस प्रक्रियाओं के तहत, शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रियाओं के तहत आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हस्तक्षेप का भी प्रावधान है। देश, क्योंकि उसका विश्वास है कि वर्तमान दुनिया में किसी एक क्षेत्र में होने वाली घटित घटनाएं दूसरे क्षेत्र की शांति को, दूसरे क्षेत्र की व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, तो इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक वॉच डॉग का भी काम करता है, नज़र रखता है कि कुछ ऐसी घटनाएं विश्व के किसी ऐसे क्षेत्र में ना हो रही हों जिसका असर दुनिया में पड़े। उदाहरण के लिए फिर वही कोरोना का उदाहरण मैं देता हूं, चीन में हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पैनी नज़र थी कि चीन में होने वाले इस कोरोना की महामारी का असर विश्व में कैसे पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, क्यों पड़ा, चीन में क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये पूरा जो क्रम है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था WHO ने इसका परिपालन किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर है, शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है जिसमें मैंने बाकी जो वार्ता से लेकर हस्तक्षेप तक की बात की, और शांतिपूर्ण समाधान ही एकमात्र तरीका है ऐसा UNO का मानना है। चौथा, एक और जहां शांतिपूर्ण तरीके से समाधान इसका सिद्धांत है, उसी तरह उसका दूसरा सिद्धांत निषेधात्मक है, और वह क्या है, बल प्रयोग का निषेध। बल प्रयोग का निषेध, बल प्रयोग से क्या तात्पर्य है, सेना का उपयोग करना, किसी प्रकार के अन्य तरह के दबाव का उपयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली के लिए ये बहुत प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध न तो बल प्रयोग करेगा और न किसी तरह की धमकी देगा। अंग्रेजी में एक शब्द आता है आर्म ट्विस्टिंग, तो ये आर्म ट्विस्टिंग संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के परे है। किसी भी तरीके से किसी को धमकाना, बल प्रयोग करना, ये इससे परे है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर है उसकी धारा 43(1) और धारा 51 में बल प्रयोग की व्याख्या की गई है। बाकायदा उसने परिभाषित किया है कि बल प्रयोग से तात्पर्य क्या है, और उसने कहा है कि धारा 43 में लिखा है साफ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए योगदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद की मांग पर तथा विशेष समझौते के आधार पर, सुरक्षा परिषद की मांग पर और विशेष समझौते के आधार पर, ये शब्द को देखिएगा, सेनाएं, सहायता एवं सुविधाओं के सहित सभी सुरक्षा अपने दायित्व का पालन करेंगे। सेनाओं का उपयोग कब, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ऐसी मांग करे। सुरक्षा परिषद क्या है इस पर भी हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर संयुक्त सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। इस स्थिति में शांति भंग करने वाले देश के साथ बल प्रयोग किया जा सकता है यदि सुरक्षा परिषद ऐसा उचित समझती है तो। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद इस बात का दायित्व भी लेता है कि जरूरत पड़ने पर वो सहायता भी करेगा संबंधित देश को जो प्रभावित हुआ है, जरूरत पड़ने पर वो उन्हें सुविधाएं भी देगा ऐसे देश को जो, जिन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिन पर बल प्रयोग किया गया है या जिसका दुरुपयोग किया गया। दूसरे शब्दों में बल प्रयोग पर निषेध है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ये वादा करता है
कि ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा परिषद के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ सैनिक मदद, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व लेता है और शांति भंग करने वाले देश के खिलाफ वह कुछ कार्रवाई भी कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, वह स्वयं बल प्रयोग कर सकता है। धारा 51, ये धारा 43 की बात है। धारा 51 में लिखा है कि आत्मरक्षा का सभी देशों को अधिकार है। क्या लिखा है? आत्मरक्षा का अधिकार सभी देशों को है। आत्मरक्षा का अधिकार इस धारा के तहत यदि किसी सदस्य देश पर किसी ने हमला किया है तो आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध बल प्रयोग किया जा सकता है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, आत्मरक्षा का अर्थ है किसी देश द्वारा किसी अन्य देश पर हमला किए जाने की स्थिति में राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए सैन्य उपयोग के लिए स्वतंत्र है। सिद्धांतों के क्रम में सिद्धांत जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश करता है, उन सिद्धांतों में अगला सिद्धांत है सहायता। मैंने आपको बताया अभी कि बल प्रयोग भी किया जा सकता है एक सहायता के रूप में, और लेकिन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर। यहाँ पर सहायता जो अगला सिद्धांत है उसका तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी प्रकार की कार्रवाइयों के समय सभी सदस्यों के लिए ये जरूरी है कि वे सहायता प्रदान करें। सहायता प्रदान करें का अर्थ ये हुआ कि यदि सदस्य राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ मांग करता है किसी आवश्यकता के समय तो सदस्य राष्ट्र सहायता करने के लिए वचनबद्ध हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी एक क्षेत्र में आए हुए भारी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र को मदद करने के लिए विभिन्न देशों से आर्थिक सहायता मांगता है तो सदस्य देश आर्थिक सहायता देने के लिए वचनबद्ध हैं। यहाँ पे सहायता के सिद्धांत का ये तात्पर्य है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये साफ है कि किसी भी बिल्कुल साफ है कि सिद्धांत अंतर्गत कि किसी भी राष्ट्र या जिन किन्हीं भी राष्ट्र के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई होती है या उसके खिलाफ कोई सदस्य राष्ट्र को सहयोग नहीं करना होता है तो अन्य देश उसे सहयोग नहीं करेंगे। मैं पुनः दोहरा दूं, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात स्पष्ट है कि जिस किसी भी राष्ट्र या किन्हीं राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई चल रही है तो उसके साथ सदस्य राष्ट्र किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, और उस सदस्य राष्ट्र के साथ सहयोग ना करते हुए हम संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को सहायता कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला बिंदु अब स्पष्ट हो गया होगा कि सहायता से तात्पर्य क्या है। इस बात को ख्याल रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समय समय पर जो कार्रवाई की जाती है, जो खर्च किए जाते हैं, उस खर्च के लिए यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्यों से आह्वान करता है तो वह एक तरीके का आदेश है और सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं, विवश नहीं वचनबद्ध हैं। अगला सिद्धांत गृह क्षेत्राधिकार। क्या है अगला सिद्धांत? गृह क्षेत्राधिकार। गृह क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? ये छठवां सिद्धांत है। इसकी कार्य प्रणाली के तहत गृह क्षेत्राधिकार छठवां सिद्धांत है, जिसके अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी
सदस्य राष्ट्र के उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो वह उसका आंतरिक मामला हो। मैं पुनः दोहरा दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा उसे अधिकृत किया गया है विश्व शांति, सुरक्षा, सहायता आदि प्रदान करने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के अंदरूनी मामले में भी दखल देने के लिए स्वतंत्र है। नहीं है, अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यशैली का एक सिद्धांत है, उसकी कार्यप्रणाली का एक सिद्धांत है। याद रखेंगे, किसी भी देश के अंदरूनी मामले में दखल ना देने का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंदरूनी मामले में दखल ना देना का अर्थ क्या है, उसका क्या तात्पर्य है? कल्पना करिए, सोचिए कि किसी कारणवश भारत के दो राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर कुछ समस्या है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में नदी के पानी को लेकर काफ़ी झगड़ा होता रहता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और अभी भी एक ऐसा निराकरण, एक ऐसा हल नहीं निकला है जिसमें दोनों राज्य खुश हों। तो कई बार वहाँ पे तनावग्रस्त स्थिति हो जाती है। ये तो भारत के अंदर के दो राज्यों के बीच का मामला है। अब अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ इस अंदरूनी मामले में दखल नहीं दे सकता। वो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कर सकता किसी एक राज्य का पक्ष लेते हुए, या ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये दो देशों के बीच का मामला है, दो राज्यों के बीच का, इसलिए हम इसमें किसी भी तरह की बयानबाजी, किसी भी तरह की कार्रवाई, मौखिक या लिखित, वह संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर सकता। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में ही है। इसीलिए वो शब्द जो है गृह क्षेत्राधिकार, घर के क्षेत्र के अंदर हमारा घर वालों का ही अधिकार है, बाहर का नहीं। सदस्य देश, कई बार क्या होता है कि जब समस्या थोड़ी जटिल हो जाती है तो सदस्य देश अपनी ज़रूरत के अनुसार इस सिद्धांत की व्याख्या कर बैठते हैं। तो कई बार गृह क्षेत्राधिकार के मुद्दे को लेकर कुछ भ्रम भी पैदा होता है, कुछ दिक्कतें भी आती हैं और सदस्य देश उसकी परिभाषा अपनी सुविधानुसार बदल देते हैं कई बार। लेकिन उसूलन संयुक्त राष्ट्र संघ इस सिद्धांत को मानता है कि वह किसी अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। अंतिम सिद्धांत जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है, अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश करता है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करता है, वह है सदस्येतर राज्य। ये सातवां सिद्धांत है, सदस्येतर राज्य। सदस्येतर राज्यों से क्या तात्पर्य है? सदस्येतर जो सदस्य नहीं है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 इसके सदस्य हैं। कितने देश हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं और अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी 1945 में तो 51 देश सदस्य थे और बाकी देश नहीं थे। तो जो देश नहीं है सदस्य, उनके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का रवैया क्या रहेगा, इस पर भी बड़ा स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बड़ा स्पष्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार जो स्वतंत्र नहीं है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था करेगा कि वह शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आचरण, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार आचरण करें। अर्थात क्या हुआ, सदस्य ना होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ उन राष्ट्रों को विवश कर सकता है कि आप चार्टर का पालन करें। क्यों?
क्योंकि उनके द्वारा की गई गतिविधियों का, उनके द्वारा यदि बल प्रयोग किया जा रहा है, उनके द्वारा यदि कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं, तो उसका असर विश्व शांति पर पड़ता ही है, विश्व की सुरक्षा पर पड़ेगा ही। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ नॉन मेंबर्स को भी बार बार इस बात के लिए हिदायत देता रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पालन, उसका अनुपालन करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली के लिए यह सिद्धांत कई बार हास्यास्पद लगता होगा कि भाई सदस्य नहीं हैं तो हम बाध्य क्यों हैं, लेकिन विश्व शांति के लिए तो ये बात आवश्यक है। इसलिए इसमें कोई अतार्किक बात नहीं है, इसमें कोई गैर तार्किक बात नहीं है, क्योंकि विश्व में कहीं कोई एक घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है, और इसलिए सदस्येतर राज्य से संबंधित सिद्धांत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 7 सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को अध्ययन करने से पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं असफलताओं पर सोचने से पहले, हम कुछ और आधारभूत जानकारियां संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लें। हमने जाना उसकी स्थापना का दिन 24 अक्टूबर 1945। हमने जाना संस्थापक देशों की संख्या 51, कितनी 51, और जिसमें अंतिम जो देश है जो 51वां था वो था पोलैंड। पोलैंड अंतिम संस्थापक देशों में था, और ये वही पोलैंड है जिस पर हिटलर के द्वारा 1939 पर हमला किए जाने से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। मैं पुनः दोहरा दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां और अंतिम संस्थापक देश पोलैंड वही देश है जिस पर हमला करने के कारण, हिटलर द्वारा हमला किए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 3 सितंबर 1939 शायद। अगली जानकारी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वे ली जो नॉर्वे के थे, लेकिन वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से हैं। आपको ये बता दें कि महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वे चुने जा सकते हैं दोबारा भी। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई महासचिव एक कार्यकाल पूरा होने पर पुनः महासचिव बनने की पात्रता नहीं रखता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सच्चाई तो ये है कि दो दो महासचिव ऐसे हुए हैं जिन्होंने दो दो काल 5-5 वर्ष के पूरे किए हैं, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध हैं कोफी अन्नान ऐसे महासचिव जिन्होंने 5-5 वर्ष का 2 काल महासचिव के रूप में निकाला। अगली जानकारी, इसके अंगों की यदि बात करें तो मुख्यतः इसके 6 अंग हैं। 6 अंग से अर्थ है कि 6 विभिन्न इसके डिपार्टमेंट्स हैं जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक संस्था है, तो इसलिए उसे ऐसी भाषा के माध्यम से काम करना है जो पूरी विश्व में स्वीकृत हो, जिसे पूरे विश्व में लोग समझ सकते हों, और या फिर पूरे दुनिया भर की भाषाओं में सारे कार्य करें, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया है कि 2 भाषाएं मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 2 भाषाओं द्विभाषी प्रणाली अपनाया है, जिसमें पहली भाषा है अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। फ्रेंच इसलिए क्योंकि बहुत सी कॉलोनीज, बहुत से उपनिवेश अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ये किसी ज़माने में फ्रेंच उपनिवेश हुआ करते थे,
और इसलिए वहाँ फ्रेंच भाषा का बाहुल्य है कि फ्रेंच भाषा का दबदबा है, तो इसलिए यदि फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है तो ऐसा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बातें पूरे विश्व के हर कोने तक पहुंच जाती हैं और समझी जा सकती हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं, 193, ठीक। और अंतिम देश जो सदस्य बना था वो था दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का देश है जो अंतिम सदस्य, 193वां सदस्य। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। भारत कब बना था सदस्य, इसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। भारत बना है आधिकारिक स्तर पर, भारत इसका सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 में, 30 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय का भवन देखिए कितना भव्य है, और जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों के झंडे वहाँ पे नियम से फहराए जाते हैं, फ्लैग्स, एंड इट बहुत ही शानदार इसका लुक, इसका दृश्य रहता है विहंगम। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लोगो भी है, एक प्रतीक चिन्ह भी है। हर संस्थाओं का एक प्रतीक चिन्ह होता है। आप जो हमारा वीडियो देखते हैं PTD, आप पढ़ेंगे देखेंगे कि वीडियो के ऊपर एक कोने में एक चिन्ह भी है, जो चिन्ह इस संस्था के लिए उसका एक प्रतीक चिन्ह। तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वह कैसा है देखिए, विश्व का नक्शा है, विश्व का मानक है, और जैतून के पत्ते से एक तरीके से मुकुट बनाया गया है। जैतून क्या है, मेपल लीफ, जो शांति का प्रतीक माना जाता है, जैतून को शांति का प्रतीक मानते हैं, तो उसके पत्ते से विश्व के चित्र को ऊपर रख दिया गया है। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ जो वैश्विक संस्था है उसका प्रतीक चिन्ह है। संयुक्त राष्ट्र संघ किन उद्देश्यों के साथ और किन सिद्धांतों को लेकर कार्य करता है ये हम समझ गए। उनके सिद्धांत बड़े अहम हैं, क्योंकि जब तक इन सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं हश्र वैसा ही ना हो जाए जैसा कि पूर्व में लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। इसलिए सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चार्टर के अनुसार आचरण करने की जो बंधन है वह बंधन बड़ा अहम है। अंदरूनी मामलों में तो किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह दखल दे,